की यह शर्त मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। स्कूल में पढ़ाना मुझे पसंद है, वो मेरी इच्छा है, लगन भी, और ये काम मैं शादी के बाद भी करना चाहूंगी। गीता, एक स्त्री के लिए घर का कामकाज ही काफी है। मैं नहीं मानती, घर की देखभाल के साथ साथ मैं काम भी करना चाहती हूँ। लेकिन हमारे घर में स्त्रियों को बाहर काम करने की इजाजत नहीं है, और वैसे भी शादी के बाद आपको काम करने की जरूरत ही क्या है। और अगर यही बात मैं आपके बेटे से कहूं तो? हमारे माँ बाप हमें उतने ही लाड़ प्यार से पढ़ाते लिखाते हैं, और वो यही चाहते हैं कि हम स्वाभिमान, आजादी और आत्मनिर्भरता से जिए। अगर आपके बेटे में जीवन में कुछ कर दिखाने की और समाज में अपनी जगह बनाने की इच्छा है, तो क्या लड़कियों को ये इच्छा नहीं हो सकती? बी इट इन एनी फील्ड, वुमेन आर मेकिंग द मार्क इक्वली। हथेलियां सिर्फ मेहंदी के लिए नहीं होती। और शादी के बाद क्या घर और बच्चे आदमी के उतने ही नहीं जितने औरत के? तो फिर दोनों मिलकर एक दूसरे के सहायक क्यों नहीं बन सकते? दोनों में से एक ज्यादा बलिदान क्यों दे? शादी के बाद घर में बंधे रहने की यह शर्त मुझे मंजूर नहीं है। मतलब आप ये रिश्ता ठुकरा रही हैं? मुझे और कुछ नहीं कहना। एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।